सो गाइस, मैं लॉकडाउन से पहले ये मेरा करियर में फर्स्ट क्लब में जॉब था, बट 6 महीने काम करने के बाद तुरंत मतलब COVID-19 लॉकडाउन आ गया था। बट मुझे 6 महीने काम करने के बाद मुझे तुरंत यहाँ से लॉकडाउन आ गया, तो मुझे नौकरी छोड़ के जाना पड़ा यहाँ से। सो इसकी वजह से मैंने नौकरी पूरा छोड़ दिया था और यूट्यूब में यहाँ पे 6 महीने चला के मैं अपना यूट्यूब को मतलब बहुत मतलब वीडियो नहीं बनाने सका मैं, तो मेरा बहुत लॉस हो गया। मैं 2 साल लॉकडाउन में मैं कोई वीडियो बनाने नहीं सका, नहीं तो आखिर अभी तक मेरा यूट्यूब से बहुत व्यूअर्स व सब्सक्राइब मुझे मिल जाता। सो इसलिए मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है मन में। मैं इतना साल से मतलब यूट्यूब में वीडियो बनाने के बावजूद भी मेरा व्यूअर्स व सब्सक्राइब बहुत कम है, क्योंकि मैं बीच में लॉकडाउन में पूरा घर में बैठ गया, 2 साल वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला और इसी टाइम में मतलब सिचुएशन बहुत ख़राब था। बट आई होप आप लोग मुझे फिर अगेन सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं 4 साल का बाद फिर यहाँ पे मैं अभी 2024 को मुझे यहाँ का क्लब का ओनर मुझे बुलाया गया है, तो मैं यहाँ में बहुत परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ में अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के सामने कुछ भी मतलब परफॉर्मिंग लाऊंगा मैं। सो आई होप प्लीज़ मेरा वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मैं, क्योंकि 4 साल का बाद फिर मैं अगेन अभी मेरा जो क्लब है वहाँ पे मुझे ओनर ने बुलाया गया यहाँ पे मैं जॉब करने के लिए आज से शुरुआत किया। ये मेरा पहले स्टार्टिंग परफॉर्मेंस है, बट धीरे धीरे मैं बहुत अच्छा अच्छा वीडियो ला रहा हूँ आप लोग के सामने फेस कर रहा हूँ। सो आई होप आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दिखाऊंगे मेरे को कितना क्राउड है यहाँ पे, सब लोग के सामने मैं परफॉर्मेंस करता हूँ, सभी लोग मुझे यहाँ पे मैं बहुत इंटरटेनमेंट करके काम करने वाला हूँ, एंजॉय करके गेस्ट लोग के सामने हंसी मजा करके मैं ज्वाइन करता हूँ। सो एनीवे तो फिलहाल हम अभी तो बियर मेरा जो काउंटर में बियर का टावर बना रहा है। सो इसी तरह हम लोग बहुत मेहनत करके फिर मैं अपना वीडियो को ग्रो करने के लिए, चैनल को ग्रो करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। सो आपको तो बता दिया मैं 4 साल मैंने कहीं भी जॉब किया नहीं था, बेसिकली दूसरा कुछ इवेंट में मैं काम कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट बारटेंडर सर्विस इस ग्रुप में कई इवेंट होता था, वहाँ में मुझे शादी कोई परफॉर्मेंस में मैं प्रोग्राम करने के लिए जाता था, तो इसी तरह मैं चल रहा था। बट यहाँ का ओनर मुझे फिर से अगेन बुलाया तो मुझे तुरंत यहाँ आना पड़ा। सो मुझे बहुत गर्व की बात है, मैं जो पहले का पुराना ओनर मुझे बुलाया और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा खासा सैलरी फैसिलिटी मिलता है। सो ऑब्वियसली मैं आगे ज्वाइन कर रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे हूँ मैं, अभी फिलहाल बैठा हूँ, तो अभी तो दिन हुआ है और शाम को 7 बजे के बाद यहाँ पे क्राउड होता है, तो दिन को मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है। तो मेरा जो भी मन का बात आप लोग से शेयर किया मैंने कि क्या बोलो, सो थैंक यू सो मच इस तरह मुझे सपोर्ट करना।